जो कुछ मुझे खेलों ने दिया है वो मैं उसे लौटाने की कोशिश करूँगा। पर बहुत बड़ा कर्जा है मेरे ऊपर स्पोर्ट्स का, जो मुझे खेलों से मिला है। मेरी भरसक कोशिश होती है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बातें करके उसको वापस कर सकूँ। अच्छा, एक तो मैं ये बोलना चाहता था, ये जो शक्ति सिंह जी हैं ना, जरा पहचान लो इनको अच्छी तरह से। इनका नाम है शक्ति सिंह जी। जो नहीं जानता ना, वो सोचता है कि शक्ति सिंह जी बड़े लंबे चौड़े हैं और वो होंगे। वास्तव में ये शक्ति सिंह जी हैं। मैं कोशिश करूँगा, आप सब लोगों से मेरा निवेदन भी होगा कि इनसे जितना सहयोग ले सकूँ लेंगे। हैंडबॉल जो है, मैं जब 72-73 में जब NIS कर रहा था ना, तो हमने हैंडबॉल का एक रूप देखा था। उसमें क्या होता था कि बॉल को लेके भागते थे और किसी दूसरे खिलाड़ी के टच करने से पहले आपको बॉल फेंकनी होती थी। ये नेशनल कैंप्स का सबसे प्रिय खेल होता था। यहाँ पे जब मैं 78 में आया तो रेंजर्स कॉलेज में, मतलब अकेले शॉर्ट्स के साथ, बारिश के दिनों में हम डेढ़ डेढ़ घंटा हैंडबॉल खेलते थे। गड़ी कैंट में, गंगोड़ा के वार्ड में, ग्राउंड में फौजी जो है एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा हैंडबॉल खेलते थे। बहुत प्रिय खेल था, बारिश में तो और भी अच्छा लगता है। हैंडबॉल का अब जो है चेंज हो गया है। आपको बहुत अच्छी बॉडी वाला एथलीट चाहिए, आपको उसमें बास्केटबॉल के कुछ गुण चाहिए, तो उन सब की वजह से थोड़ा सा चेंज हो गया है ये। लेकिन उत्तराखंड में हैंडबॉल का स्कोप बहुत है। हैंडबॉल के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड आपको नहीं चाहिए। हैंडबॉल के लिए आपको उसके लिए छोटा ग्राउंड चाहिए और साथ में जिम वगैरह चाहिए, कंडीशनिंग। आप लोग रनिंग वगैरह आपके ऊपर करवा सकते हो, बहुत स्कोप है। और रवा शंकर जी, सुंदरलाल जी, इन दो को तो मैं जानता हूँ, बहुगुणा जी थे, मतलब ये लोग इतने कमिटेड लोग हैं कि उठते बैठते हर समय ये हैंडबॉल के बारे में ही बात करते हैं, हैंडबॉल के बारे में ही सोचते हैं। और ऐसा ही मेरा अनुमान आप कितने लोग बैठे हुए हैं इन लोगों को लेके। बस आपका काम सिर्फ इतना है कि जो खिलाड़ी आप चुनते हो, एक सेट उनके साथ पहले तो आप अपना रखो। आप अपने जीवन के 2-4-6 साल जो है, आप ये सोच के रखो, इसमें से मैंने 6-8-10 घंटे अपने परिवार को देने हैं, 12-14 घंटे मैंने हैंडबॉल को देने हैं। मतलब 10 घंटे आप अपने परिवार के लिए रखो, लेकिन 14 घंटे आप अपनी हैंडबॉल के लिए रखो। कितने साल के लिए? कम से कम 6-7 साल के लिए। उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हो, अपने लिए जो है आप 13-14 घंटे रख लो, हैंडबॉल के लिए आप 8-10 घंटे रख लो। यही चीज़ आपने जो खिलाड़ी सिलेक्ट किया है ना, उससे भी मांगनी है। खिलाड़ी को भी आपने ये कहना है कि बेटा 14 घंटे तेरे मेरे लिए, 10 घंटे तेरे लिए अपने लिए। वो 14 घंटे जो है मैं तेरे को बताऊंगा कि तूने 4 घंटे ट्रेनिंग करनी है, 8 घंटे तूने रेस्ट करना है, 2 घंटे तूने ये काम करना है। ये यदि आप कॉन्ट्रैक्ट पक्का कर सकते हो, इसको पक्का करना है और कंफर्म करना है कि वो आपको 12-14 घंटे देंगे, क्योंकि वो दिए बिना आप बड़े हाइट पे नहीं पहुंच सकते। ट्रेनिंग के लिए आपको 4 घंटे चाहिए, उसमें आपका वार्मिंग अप है, टेक्निकल स्किल्स हैं, बाकी और एक्टिविटीज हैं। उसको रिकवर करने के लिए कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। मैं यदि आज सुबह 21 किलोमीटर दौड़ा हूँ, तो 21 किलोमीटर दौड़ने में मेरे को 2 घंटे और 50 मिनट लगे, और 3 घंटे मेरे को अपनी बॉडी को दोबारा ठीक करने में लग गए हैं, जो अभी प्रोसेस में चल रहा है। मतलब वो 3 घंटे में जो है मैंने अपना
कोल्ड आइस से अपने लेग्स को किया, उसके बाद मैंने थोड़ी हॉट फर्मेंटेशन ली, उसके बीच मैंने दो तीन बार अपनी डाइट ली, फिर मैंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ली। अभी लंच करने के बाद जो है फिर मेरे को कम से कम आधा पौना घंटा चाहिए बॉडी को फिर ठीक करने के लिए, तब मैं सुबह जो है 4:30 बजे दौड़ पाऊँ। तो ये यदि आप कर सकते हो और कर लोगे आप, कि उससे जो 14 घंटे लेने हैं उसकी एक एक मिनट की डिटेल आपके पास पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत अच्छे लेवल पे कोचिंग की है, हमारे में और फॉरेन कोचिंग में क्या डिफरेंस था? एक बड़ा डिफरेंस ये था, हम जो है एथलीट को ट्रेनिंग करा दी, स्ट्रेचिंग करा दी, सब कुछ करा दिया, उसके बाद उसको कह दिया भाई ठीक है जाओ, उसके बाद मैंने नहीं देखा कि वो कहाँ है। जो रशियन कोचेज हमारे साथ आते थे वो ये इंश्योर करते थे कि भाई उस एथलीट का बाहर का दरवाजा बंद है कि नहीं, वो लेटा हुआ है कि नहीं, सो तो नहीं गया, सोना भी नहीं है, रिकवरी का मतलब है पैर लटका के बैठना नहीं, लेटना है आपने, लेकिन दिमाग आपका अलर्ट चाहिए, आपको बुक पढ़नी है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, मतलब कितना फर्क है। यदि आप सो जाओगे तो बॉडी लिथार्जिक हो जाएगी, आपको दोबारा बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन यदि आप लेटे हुए हैं और दिमाग आपका जो है अलर्ट है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप बुक पढ़ रहे हो, आप कोई चीज़ों कर, तो आपकी बेटर रिकवरी होती है। हम क्या करते थे, छोड़ दिया एथलीट बाजार में घूम रहा है, शाम को आया है थका हुआ आया हुआ है, रिकवरी तो ना हुई ना, तो इन चीज़ों ने बहुत बड़ा फर्क डाला है। और दूसरा है मेक श्योर, जहाँ कहीं भी आप रहते हो वहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट और मैशर्स उन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए कि हमारे बच्चों को थोड़े कम रेट के ऊपर उनकी ट्रीटमेंट करें। बाकी सब आप लोग समझदार हो, मेरा पूरा आशीर्वाद आप लोगों को है, ईश्वर की कृपा रही तो हैंडबॉल में हम लोग बहुत ऊपर तक जाएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत।